आपके पास भी एयरटेल पेमेंट बैंक है और आप एयरटेल पेमेंट बैंक को लॉन्ग टाइम से यूज नहीं कर रहे हो या आप किसी भी रीजन से उस पेमेंट बैंक को क्लोज करना चाहते हैं ऑनलाइन, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना विदाउट स्किप किए हुए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज आगे भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप एयरटेल पेमेंट बैंक को क्लोज करने का यहाँ पे कुछ प्रोसेस है और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है, आपको सारा कुछ अच्छे से समझना होगा। मैं अपने नोट में सारा कुछ नोट करके रखा हुआ है, मैं यहाँ पर आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में कोई बैलेंस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव बोलने का मतलब यह है कि उसमें माइनस में नहीं होनी चाहिए। जब तक आपका उस माइनस वाले बैलेंस को पे नहीं करोगे तो फिर आप कोई भी बैंक को क्लोज नहीं कर सकते, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो चाहे पेमेंट बैंक हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना, उस बैंक में कोई भी नेगेटिव बैलेंस होगा तो उसको पहले क्लियर कर लेना, तभी आप एयरटेल पेमेंट बैंक को क्लोज कर पाओगे। क्लोज करने का प्रोसीजर बहुत सारा है, मैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ जो कि मैं पर्सनली यूज़ किया था, जिससे मैंने अपना एयरटेल पेमेंट बैंक क्लोज कराया था, वो मैं किया था कस्टमर केयर कॉल पे नंबर पे कॉल करके। वो नंबर आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं, इस नंबर को नोट करो अपने डायलर में और इस पे कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स ली जाएगी आपके अकाउंट के रिलेटेड, आप वहाँ पे शेयर करना और उसके बाद आपसे OTP भी लिया जाएगा। तो OTP देने के टाइम शेयर आप ये चीज़ ध्यान देना कि OTP जो आप दे रहे हो वहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई नाम है या नहीं। अगर वहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम के नीचे कोई OTP शो हो रही है तो फिर आप उस OTP को शेयर करना। OTP ओनली 4 डिजिट का ही होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका अकाउंट को इंस्टेंट मतलब वहाँ पे क्लोज कर दी जाएगी। लेकिन हो सकता है आपके अकाउंट में कुछ अलग सा इशू आ जाए तो आपको वो लोग कुछ सजेस्ट करेंगे, कुछ रिकमेंडेशन आपको मिलेगी वहाँ से कि आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ वो लोग क्या क्या चीज़ आपको बोलेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, आप कॉल से भी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं OTP शेयर करने के बाद। बट ध्यान दीजिएगा OTP वो क्या चीज़ का ले रहा है उस चीज़ आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया OTP शेयर करना तो आप फटाक से किसी को भी OTP शेयर करना, ऐसा नहीं। OTP शेयर करने से पहले आपको हर मैसेज को अच्छे से रीड करनी पड़ती है कि मैसेज में क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ का OTP है, तभी आप OTP किसी को शेयर करना, क्योंकि आपका नंबर बहुत सारे बैंकों में लिंक भी हो सकती है, तो वो चीज़ आप अपने से मैनेज कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, आप चाहे तो उस बैंक के अकाउंट के ऑफिशियल ईमेल पर मेल करके भी अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। ऑफिशियल ईमेल आप यहां पे देख सकते हैं, इस मेल पर आपको मेल करना होगा। मेल में क्या चीज लिखना होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चाहे तो यहां पे स्क्रीनशॉट को देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके ये खुद से आप रीड कर लो यानी लिख लो कहीं पे और उसी तरीके से मेल करना होगा। ये था सेकेंड पॉइंट, आप इसको मतलब फॉलो करके अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके नियरेस्ट कोई भी एयरटेल स्टोर है तो आप एयरटेल स्टोर विजिट करके भी अपने अकाउंट को इंस्टेंट वहाँ पे क्लोज कर सकते हो, जो कि सबसे इजी स्टेप यही है। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गया अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस। बहुत सारे बंदे का ये भी सवाल है कि मैंने अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज कर दिया है लेकिन क्या मैं उसी डॉक्यूमेंट से फिर अपना एयरटेल स्टोर में जाके अकाउंट ओपन कर सकता हूँ या नहीं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये गलत फहमी में हो कि मैं ऑनलाइन ओपन कर पाऊंगा तो ऑनलाइन आप किसी भी कीमत पर उस डॉक्यूमेंट से ओपन नहीं कर पाओगे। अगर आपको अकाउंट क्लोज करने के बाद फिर से रीओपन करना है तो फिर आपको उस डॉक्यूमेंट को लेकर आपको एयरटेल नियरेस्ट विजिट करना होगा किसी भी स्टोर पर, तभी आप अपने अकाउंट को ओपन कर पाओगे एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।